मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश वहां यह कोरोना रूपी राक्षस अपन पैर पसार रहा है। यह हमने ही कही है, मध्य प्रदेश के हालात का हाथ है कि मध्य प्रदेश वहां 52 जिला है। अब 22 जिला तक कोरोना अपन पैर पसार चुका है। ओपरा पचक बताया दी कि 24 घंटा के भीतर 27 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और भोपाल मां एक मरीज की मौत हुई गई। प्रदेश में 285 एक्टिव केस हो गए हैं। तो विदेश क्षेत्र के यह पहली बघेली न्यूज चैनल हम करें तिवारी प्रपंचन का सभी जन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहां पर अब बताया दी कि मध्य प्रदेश में जो है यह कोरोना संक्रमण फिर से रफ्तार पकड़े लाग है। प्रदेश में 24 घंटा में 42 नए केस सामने आए हैं एवं सबसे ज्यादा 27 इंदौर के हैं। अपना अब बताया दी कि जो 4 दिन बाद इसमें सबसे ज्यादा मामला सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में 8 केस मिले हैं। भोपाल में एक 62 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रदेश में 9 मामला सामने आए हैं एवं 7 रिकवर हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 285 है। 22 जिला में कोरोना के एक्टिव केस है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा कहा गया है कि कोरोना की स्थिति पर सरकार की नजर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना का लेके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी नहीं। अपना अब बताया दी प्रदेश में 27 दिन में 583 संक्रमित मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 243 और भोपाल में 205 केस मिले हैं। भोपाल में अभी 75 एक्टिव केस है। 54 होम आइसोलेशन और 21 अस्पताल में भर्ती है। इंदौर में अभी सबसे ज्यादा 143 केस है। उसके बाद उज्जैन में 20 मामला है। अब तक प्रदेश में 793,761 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं एवं 782,943 लोग ठीक हो चुके हैं। 10,533 लोगों के पूरे मध्य प्रदेश में जान जा चुकी है। मौजूदा स्थिति की बात करी तो सोमवार का करीब 64,000 सैंपल की जांच की भेजे गए हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 98% से अधिक है और पॉजिटिविटी दर जो है बढ़ के 0.08% हो गया है। अपना प्रत्येक बताया दी कि इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर उज्जैन के बाद जो कोरोना के केस छोट जिलन में मिलत शुरू हो गए हैं। अलराजपुर बैतूल शहडोल छिंदवाड़ा खरगोन जिलन में मरीज सामने आए हैं और यह समय 22 जिला में एक्टिव केस है। तो समझे लायक बात थी कि कोरोना से जो है डराए कर नहीं आए, ऐसे सावधान और सतर्क रह की आवश्यकता ही। कहे कि जेका वैक्सीन लगी है ओहू का कोरोना संक्रमण हो रहा है। काहे कि थोड़ों को लापरवाही सीधे अपना एमा संक्रमण के शिकार हो चुकी थे। सीधे तौर पर समझी कि वैक्सीन लगवाए ना लगवाए के का फायदा का नुकसान हुई। वैक्सीन जो लगवाए है ओका कोरोना अपन कम असर पड़ी। कोरोना के यदि हो जाते हैं तो उनके शरीर में कम घातक असर पहुंचाई, किंतु जो वैक्सीन नहीं लगवाया उनके खीतर यह सीधे जो कहा जाए कि बेहद खतरनाक है। कहे कि घरे में अभी 18 साल से कम उम्र के जो है बच्चा जो घरे में है और जो कहा जाए छोटे छोटे लड़का है उनका नहीं लगाया कोरोना की वैक्सीन, एक चलते उनका अभी यह कोरोना के खतरा बेहद ज़्यादा है। कहे कि हमारे अपना की वैक्सीन लगी है तो हम बाहर घूमने लागे और खुले हवा में सांस ले लागे और यह सोची थे कि हमको बच्चे को कुछ नहीं हुई, किंतु जब घरे गई थे तो घरे में ऐसा लड़का बच्चा है ऐसा लोग हैं जिनका वैक्सीन नहीं लगी है और वह कोरोना उनके खीतर बेहद खतरनाक है। ऐसे हम बेबे अपना से हाथ जोड़ के निवेदन करी थे कि नियम कानून के पालन तक करवे करी, किंतु वैक्सीन के हर व्यक्ति का लगवाई जे हुआ पात्रता मावत है जे हुआ श्रेणी मावत है सब केहू का वैक्सीन लगवाई। कहे कि वैक्सीन है यह रामबाण ही जो अपना की जीवन का सुरक्षित रह सका थी। बहुत जने कहा थे कि वैक्सीन लगवाए के बादों कोरोना हो लगे, निश्चित तौर पर कोरोना हो रहा है किंतु उतना शरीर में जो है हानिप्रद नहीं पहुंचा वाला है, शरीर का उतना घातक नहीं हो लगा है। ऐसे वैक्सीन जरूरी है और वैक्सीन से इंसान की जान बच रही है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।